सेवन चैप्टर कर रहे थे डिफरेंशिएशन वाला, जिसकी 7.2 तक तो कंप्लीट हो गई थी, अपनी एक्सरसाइज चल रही थी 7.3, और 7.3 के भी कुछ क्वेश्चन करवा देते, फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था, थर्ड के भी कुछ पार्ट हो गए थे। आगे देखो, इसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो आईलेट वर्ड था उसका आई लेटर हमने उठा रखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव को पढ़ रहे थे हम। फॉर्मूला एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 − x2। कोस इनवर्स में क्या आएगा, −1/√1 − x2। टेन इनवर्स एक्स का क्या था, 1/√1 + x2। अब इन सब में आपको ये बताया था कि भाई पहले हम फंक्शन का करेंगे, फंक्शन के बाद किसका करते हैं, एंगल का। अगर फंक्शन हमारा पावर में आना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर पहले हम पावर का, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का। एक बात का ध्यान रखना, जैसे tan inverse x लिखा हुआ है तो इसका डेरिवेटिव 1/√1 + x2 होता है। ये जो माइनस वन है ना, ये पावर का काम नहीं करेगी, ये सिर्फ इनवर्स की नोटेशन है। कहीं मैं तो कि माइनस वन आ गया, फिर tan की पावर माइनस वन, माइनस में फिर लिखेंगे माइनस वन, यानी कि tan इनवर्स x है ये 1/tan x नहीं है। अगर 1/tan x होता तब ये माइनस वन किसका काम करता है, पावर का। इस बात का आपको ध्यान रखना है, वो चाहे आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ना, चाहे आगे उसमें इंटीग्रेशन में पढ़ना, इनवर्स फंक्शन है ये, पावर नहीं है। देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन के लास्ट और सेकेंड लास्ट दो पार्ट हैं, दोनों के दोनों टिक कर लेना, इम्पोर्टेंट पार्ट है। सुनो, मुझे ये बताओ, सेकेंड चैप्टर के अंदर हमने कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, कोस इनवर्स एक्स इंटू में वाई प्लस है तो माइनस √1 − x2 और √1 − y2। हाँ या नहीं? देखो बेटा, अगर हम एज इट इज इसका डेरिवेटिव करेंगे, जैसे cos इनवर्स x का हमें आता है −1/√1 − x2, अगर एज इट इज करेंगे तो फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट इसके एंगल के लिए काम करेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूले में कन्वर्ट करने का मतलब है, जो इसने दे रखा है ना, उसकी राइट हैंड साइड को अरेंज करेंगे, इस तरह से अरेंज करेंगे कि हम उससे लेफ्ट हैंड साइड लिख सके। उसने हमें दिया कोस इनवर्स 3 cos x माइनस में 4 sin x अपॉन में 5। ध्यान से सुनो, मैंने लिख दिया कोस इनवर्स 3/5, 5 को 3 के नीचे, यहां पे कोस एक्स माइनस। देखो इसे कंपेयर कर रहे हैं, अगर x का काम 3/5 करेगा तो हम इसको अगर √1 − x2 लिखें तो एक बार इसको सोल्व करके देखो क्या आएगा। 9/25, 25 एलसीएम, 25 माइनस 9 16, 16/25 4/5, तो हमारे पास 4/5 ही तो है, यानी कि जो हमारे पास 4/5 है, यहां वाला 4/5 है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद जो साइन एक्स है, क्या वो अंडर द रूट 1 − y2, अब y का हम किससे करवाएंगे, कोस से, तो क्या हम इसको √1 − cos2 लिख सकते हैं। एक बार तुम जब इसको सोल्व करोगे ना, तो ये 4/5 आएगा, यहां पर भी ये 4/5 था, ये सोल्व करने से 1 − cos2 sin2, उसके स्क्वायर से रूट कटेगा तो साइन आएगा। यानी कि इसको इससे कंपेयर करके देखो, अगर x का काम 3/5 कर रहा है तो 4/5 √1 − x2 है, अगर y का काम cos x कर रहा है तो √1 − cos2 हमारे किसका काम करेगा, √1 − y2 का। यानी कि फॉर्मूले की राइट हैंड साइड थी, अब आप देखो ये हमारा x और ये हमारा y, तो क्या लिखेंगे, cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y, अब y क्या है, cos x, यहां फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास cos इनवर्स 3/5 प्लस में x आएगा। अब तक हमने फॉर्मूला बना के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, डेरिवेटिव नहीं किया है, अब सिंपल फॉर्म बनाने के चक्कर में डेरिवेटिव करना मत भूल जाना। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो 3/5 अगर कांस्टेंट है ना, तो cos इनवर्स 3/5 भी क्या होगा, कांस्टेंट, और प्लस में x था उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या, सॉरी बेटा, प्लस में x था उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो 0 + 1 हमारा आंसर क्या आएगा, 1।
अगर आप इसको युग्म का ही एंगल लेके चलते तो बहुत लंबा जाएगा, फॉर्मूले के आंसर बिल्कुल छोटा सा बन जाता है। और इम्पोर्टेंट पार्ट है, टिक कर लेना इसका अगला पार्ट, देखो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब इसने यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ एक्स है, प्लस में 4 है, और 4 के इंटू में साइन की बजाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और डिवाइड में वही हमारे पास 5 है। देखो इसको भी अगर फॉर्मूले के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो कोस इनवर्स 3/5 लिख दिया, ये x लिख दिया, प्लस में 4/5 को √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो हमारे पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। यहां देखो अगर 3/5 को x कहें और x को y कहें तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जा रहा है, और ये √1 माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में। अब देखो फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, कोस इनवर्स 3/5 माइनस कोस इनवर्स x, क्योंकि अगर यहाँ प्लस है तो फॉर्मूले में माइनस होगा, ये x का काम कर रहा है और x किसका काम कर रहा है, y का, और यहाँ पर लाके जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो 3/5 कांस्टेंट होने की वजह से इस पूरे का तो हो जाएगा 0, और cos इनवर्स x का एक माइनस इसके पास है और एक माइनस फॉर्मूले में आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों पार्ट अच्छे से करने, टिक कर लेना। एक एग्जांपल है, शायद 10th है, 10th एग्जांपल है, उसमें भी आपको इस तरह से 2 या 3 पार्ट मिलेंगे, वो भी टिक कर लेना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4th, और क्वेश्चन नंबर 4th में ऊपर लिखा हुआ है कि भाई डेरिवेटिव करो बाय यूजिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। अब ये सब्स्टिट्यूशन वर्ड हमारे लिए नया नहीं है, पीछे आ चुका है, यानी कि हमें सब्स्टिट्यूशन तो दिखानी ही पड़ेगी। देखो y इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस x अपॉन में 2 है। थोड़ा सा मैं वो सब्स्टिट्यूशन के बारे में बता रही हूँ, ये बताओ √1 माइनस x स्क्वायर होगा ना, तो हम x को जो सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन कर दो चाहे कोस कर दो, अगर क्वेश्चन साइन से सोल्व हो रहा है आपने कोस पुट कर दिया तो कोस से भी सोल्व होगा। अगर यहाँ पे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर a साइन थीटा या हम क्या ले सकते हैं a कोस थीटा। अगर अंडर द रूट 1 प्लस में x स्क्वायर है तो सब्स्टिट्यूशन में x को या तो हम tan थीटा लेंगे या फिर क्या लेंगे cot थीटा। जो क्वेश्चन cot से सोल्व हो रहा है अगर आपने वहां tan पुट कर दिया तो tan से भी सोल्व होगा, सेम आंसर आएगा। अगर अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर होगा तो हम a tan और a cot पुट करेंगे। ये ध्यान सुनना, अगर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो ऐसे केस में x को या तो secant पुट किया जाता है या cosecant पुट किया जाता है, क्योंकि secant स्क्वायर माइनस 1 तो tan स्क्वायर होता है और cosecant स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है cos स्क्वायर। अगर यहाँ पे x स्क्वायर माइनस में स्क्वायर होगा तो a secant और a क्या हो जाएगा cosecant। ये तो होती है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बनाएंगे। अगर हमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर इस तरह से मिले √1 प्लस एक्स मिले सिर्फ या √1 माइनस एक्स मिले तो उनको छोड़ो, 1 को देखते हैं हमारे क्या रहेगा कि 1 के साथ तो कोस का फॉर्मूला होता है, चाहे साइन प्लस का हो चाहे साइन माइनस का हो, चाहे दोनों टर्म इकट्ठे आ जाए 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, ऐसे केस में भी क्या पुट किया जाता है कोस, चाहे ऊपर साइन माइनस का हो नीचे साइन प्लस का हो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एक क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, जैसे एक तो ये लिखा जाए बाहर tan इनवर्स हो 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स हो, एक बाहर cos इनवर्स हो और 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स हो, और एक हमारा बाहर cos इनवर्स हो सॉरी tan इनवर्स हो और अंडर द रूट 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स हो, तो ये फॉर्म तो तीनों में सेम है लेकिन तीनों में थोड़ी सब्स्टिट्यूशन का हमें ध्यान रखना है। हम कह रहे थे 1 जैसे दिखाई दे तो कोस पुट करो, लेकिन हम यहाँ कोस पुट नहीं करेंगे, कल वाले वीडियो में भी एक ऐसा क्वेश्चन था, क्यों नहीं करेंगे बेटा, अगर आप कोस पुट कर देते हो तो यहाँ से tan स्क्वायर बनता है और उस tan के स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमारे पास कोई टर्म नहीं है, मतलब tan स्क्वायर हटे ना रूट से तब सोल्व होता। अब इसमें इतना जो डिफरेंस है कि यहाँ रूट नहीं है यहाँ पे रूट है, तो इसमें तो आप सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे x को tan थीटा कहोगे,
जिसे 1 माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला बने। लेकिन अगर रूट आ जाता है ना तो रूट वाले में अब आपको यहाँ कोस पुट करना पड़ेगा। अगर आप टेन पुट करोगे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। कोस पुट करने से टेन स्क्वेयर बनेगा, उसके स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, टेन से टेन वर्स कैंसिल होकर सोल्व हो जाएगा। रही बात इसकी, इसमें इसमें क्या डिफरेंस है, ये तो बिल्कुल सेम एंगल, तो फंक्शन का डिफरेंस है। अगर यहाँ कोस इनवर्स है ना तो सब्स्टिट्यूशन तो टेन में होगी, लेकिन एक्स को टेन नहीं कहेंगे, हम इसको लिखेंगे रूट एक्स का स्क्वायर। और उसके बाद रूट एक्स को टेन थीटा पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर कोस टू थीटा का टेन में फॉर्मूला होता है, क्योंकि अब हमें सोल्व करके फंक्शन किसका चाहिए, कोस का। अगर हमें टेन का चाहिए कोट आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, कोट को टेन में बदला जा सकता है। लेकिन अगर कोस फंक्शन चाहिए और टेन आ रहा है तो फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, टेन आपका चेंज होके कोट में आ सकता है, हमें किस में चाहिए, कोस के अंदर। तो ये कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूशन है जो आपको ध्यान रखनी है। जब आप क्वेश्चन करोगे, दो चार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो अपने आप माइंड में आ जाएगा। लेकिन अगर यू लिखा हुआ है ना, यूजिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, तो फिर आपको सब्स्टिट्यूशन तो जरूर दिखानी पड़ेगी, भले ही डायरेक्ट फॉर्मूला बनता हो जाए। देखो इधर, यहाँ पे 1 प्लस एक्स था, मैंने पुट कर दिया एक्स को कोस थीटा। ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम कोस थीटा लेते हो या कोस टू थीटा लेते हो, लेकिन ध्यान रखो एक्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना, तो यहाँ थीटा लो, फाई लो, टी लो, एक्स नहीं ले सकते। बहुत सारे बच्चे तो यही पे गलती कर देते हैं, एक्स को पुट कर दिया कोस एक्स, तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं है, आपका गलत हो जाएगा। एक्स वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो किसी अदर वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करो, वो दूसरा जो वेरिएबल आप ले रहे हो वो आपकी मर्जी, आपने थीटा लिया, टी लिया, फाई लिया, ए लिया, जो लेना चाहो वो ले सकते हो। इधर देखो अभी, वाई इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस में कोस थीटा अपॉन में 2, यहां से कोस इनवर्स अंडर द रूट ये बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 और अपॉन में फिर से 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो गया, तो हमारा थीटा बाय 2 बचा। लेकिन एक बार ध्यान से सुनो, हमें dy बाय dx चाहिए, हमारी स्टेटमेंट जो थी वो x में थी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, लेकिन ये जो फंक्शन है तो थीटा का है, तो जहां से तुमने सब्स्टिट्यूट करना शुरू किया था ना वहां जाके थीटा की वैल्यू निकाल लो और थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स एक्स आ जाएगी। यहां रखो 1 बाय 2 कोस इनवर्स एक्स। अब तक हमने सिर्फ सिंपल फॉर्म बनाई थी, डेरिवेटिव अब करेंगे तो 1 बाय 2 तो कांस्टेंट और कोस इनवर्स एक्स का क्या होगा, माइनस 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा आपका। इसमें लिख रहा है सब्स्टिट्यूशन का यूज करो, तो ये जो हमने क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन थी, पुट कर दिया हमने x को cos की फॉर्म में। यहाँ पर अगर आप cos की बजाय tan कहते क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, sin कहते तो फिर हम बेकार भी अपने क्वेश्चन को लंबा बना रहे हैं, क्योंकि 1 के साथ जैसे ही sin आता है तो हम तो खुद ही कहते हैं कि फॉर्मूला बनाने के लिए sin को किस में चेंज कर लो, cos में, इसलिए डायरेक्ट ही किस में पुट कर दो आप, cos में। सेकंड पार्ट देखो बेटा इसी का, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना। कौन सा फॉर्मूला है, 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता था, 2 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला होता था, लेकिन हमें सीधा फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। आज एक बार इसे देखो, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जहां होता है ना वहां सब्स्टिट्यूशन में हम साइन लेना चाहे तो साइन ले सकते हैं और कोस लेना चाहे तो कोस ले सकते हैं, जो आपका मन करे वो लो, क्वेश्चन दोनों से सोल्व होगा। देखो हमने एक्स को पुट कर दिया साइन थीटा, ठीक है, वाई इक्वल टू कोस इनवर्स टू। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप यहां पुट करोगे, जहां जहां एक्स नजर आए वहां साइन थीटा रख दो, यहां साइन थीटा रख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और उसके स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो क्या आएगा, कोस थीटा। अब देखो 2 साइन थीटा इनटू में कोस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब तुम ये कहोगे मैडम हमें तो कोस चाहिए था, तो अब मेरे ख्याल में क्वेश्चन पुट नहीं करोगे तुम, क्यों, क्योंकि टेन से कोट में, कोट से टेन में, साइन से कोस में या कोस से साइन में हमें बदलना आता है, तो क्या करना है, कोस इनवर्स तो एज इट इज,
और साइन टू थीटा को जब कोस में बदलेंगे तो कैसे लिखा जाता है, पाई बाय टू में से साइन वाले एंगल को माइनस करके लिख दो। लिखा क्यों, क्योंकि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो पाई बाय टू माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस कैसा पॉजिटिव और पाई बाय टू के साथ कोस किस में बदल जाएगा साइन में। यहाँ पे फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो गया, पाई बाय टू माइनस में क्या आ गया टू थीटा। लेकिन डेरिवेटिव करने से पहले आपको वापस यहां से थीटा निकालना पड़ेगा और थीटा हमारा क्या आया साइन इनवर्स एक्स, तो वाई क्या हो जाएगा पाई बाय टू माइनस में टू साइन इनवर्स एक्स। और जब डेरिवेटिव करेंगे तो वाई का डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाय टू का जीरो, माइनस टू एज इट इज और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन बाई रूट वन माइनस एक्सल स्क्वायर। ध्यान रखना बेटा इसमें क्या कह रखा था कि सब्स्टिट्यूशन का यूज करो, इसलिए हमें इतना लंबा खींचना पड़ा, वरना आप अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट फॉर्मा लेते सीधा ये स्टेप आ जाएगा और उसके बाद आपका डेरिवेटिव, लेकिन आपको सब्स्टिट्यूशन दिखानी पड़ेगी। फिर देखो इसके थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स के, 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स के। तो ये तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से ध्यान है, सीधा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, बताओगे कौन सा, 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x के तीन फॉर्मूले होते थे, tan में sin में cos में, ये कौन सा फॉर्मूला है tan वाला, लेकिन हम सीधा नहीं लिख सकते, हम सब्स्टिट्यूशन दिखाएंगे। लेकिन आप सब्स्टिट्यूशन दिखाओगे ना तब भी बात यहीं आके रुकनी है। देखो अब यहाँ पे तो साफ दिख रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अगर बढ़ाना है तो x को क्या पुट करना चाहिए tan थीटा। देखो इधर y इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में याद करो साइन टू थीटा का टेन में फॉर्मूला होता था, कोस टू थीटा का टेन में फॉर्मूला होता था और टेन टू थीटा का टेन में फॉर्मूला होता था। ये कौन सा फॉर्मूला है टेन टू थीटा का। फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हुआ तो क्या बच गया टू थीटा। अब हम पहले थीटा निकालेंगे, यहां से हमारा थीटा क्या आया टेन इनवर्स एक्स। एक बार आप ध्यान से देखो डायरेक्ट फॉर्मूला भी तो हम यही बता रहे थे और सब्स्टिट्यूशन के भी तो सब्स्टिट्यूशन के बाद भी बात वही आई, लेकिन हमें सब्स्टिट्यूशन दिखानी है। यहाँ पे dy by dx अब 2 तो कांस्टेंट और tan इनवर्स x का क्या होता है 1 by 1 plus में x square, तो ये हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव किसकी हेल्प से सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से। नेक्स्ट देखो बेटा करेक्ट cos इनवर्स 2x अपॉन में 1 plus x square। ये जो 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर है ना, ये फॉर्म तो देखी हुई है भाई, अगर cos इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर की बात करें तो देखी हुई तो है, लेकिन जब cos इनवर्स देख रहे हैं तब थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्यों, क्योंकि cos इनवर्स में तो जो फॉर्मूला था वो 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर था, ये तो साइन वाला फॉर्मूला है। तो कोई बात नहीं, हम यहां सब्स्टिट्यूशन लगा के साइन ले आते हैं और फिर साइन फंक्शन को किस में चेंज कर देंगे कोस में। समझ गया नहीं, यहाँ पे देखो हम एक्स को क्या पुट कर रहे हैं टेन थीटा, वाई इक्वल टू कोस इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा और ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री में साइन टू थीटा का टेन वाला फॉर्मूला है। और अब क्या करना है साइन को कोस में बदलना है तो क्या लिखेंगे पाई बाय टू माइनस टू थीटा। फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो गया और पाई बाय टू माइनस टू थीटा बचा। उसके बाद जहां से हमने सब्स्टिट्यूशन शुरू की थी वहां से हम थीटा निकालेंगे तो हमारा थीटा क्या आएगा टेन इनवर्स एक्स। रख दो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स और अभी डेरिवेटिव करना रहता ही है डीवाई बाय डी एक्स, तो पाई बाय टू का डेरिवेटिव तो जीरो और माइनस टू कॉन्स्टेंट और टेन वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन से डेरिवेटिव। नेक्स्ट पार्ट देखो करें साइन इनवर्स 3
फॉर्मूला है ये, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में जाएं तो यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो एक्स को साइन थीटा पुट करना चाहिए, क्योंकि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है और हमें साइन फंक्शन की जरूरत है। तो रख दो, बाहर साइन इनवर्स है, अंदर 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा आ जाएगा। फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल, तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स एक्स, और उसके बाद क्या कर देंगे, डेरिवेटिव 3 बार, और साइन वर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखो अगला पार्ट, ये कह रहा है कोट इनवर्स है, कोट इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। इक्वेशन शुरू करने से पहले मैंने इस टाइप की सब्स्टिट्यूशन बताई थी आपको, यहाँ टेन आए चाहे कोट आए, लेकिन अगर रूट नहीं है ना तो हम 1 के साथ यहाँ कोस की सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाएंगे बेटा, किसके लगाएंगे, टेन की, क्योंकि कोस वाले लगाने से हमारे सामने स्क्वायर वाली प्रॉब्लम आती है। जब तुमने यहाँ टेन पुट किया तो 1 प्लस टेन अपॉन में 1 माइनस टेन, टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा हो गया तुम्हारा, और उसके बाद अब तुम टेन को किसमें बदल सकते हो, कोट में। कैसे बदलोगे, कोट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस में थीटा, और अब मेरे ख्याल में आप कर सकते हो, फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से थीटा से की वैल्यू आ जाएगी टेन वर्स एक्स, तो पाई बाई 4 प्लस में टेन वर्स एक्स, पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0 और टेन वर्स एक्स का 1 बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर।